आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। खाने का जायका बढ़ाने और कोरोना महामारी में लोगों के काम आने वाली औषधि अदरक का भाव इस वक्त औंधे मुंह गिरा हुआ है। वजह एक्सपोर्ट नहीं होना है। किसानों को अदरक की फसल के मूल्य भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अब वे सरकार से अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में अदरक उत्पादक अधिक होने से अदरक बाजार में कम दामों पर बिक रहा है। इसे किसान सिर्फ 15 रुपए किलो के रेट पर बेचने पर मजबूर है, जबकि सर्दी में अदरक की खपत अधिक होने से ये 80 से 100 रुपए के भाव में बिकवाली होनी चाहिए थी। बागवानी विभाग के अधिकारियों का मानना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में इसका निर्यात बंद होने के कारण भी किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। जिले के बाजार में किसानों को 15 से 20 रुपए प्रति किलो के भाव में अदरक बेचना पड़ रहा है। ऐसे में किसान से व्यापारिक तक किस भाव में पहुंच रहा है, उसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अब अदरक उत्पादन बढ़ाने वाले किसानों की हालत भी चिंता का विषय बन गया है, जबकि सरकार कृषि को लाभ का धंधा बनाने पर जोर दे रही है। लेकिन फसल का अधिक उत्पादन व मौसम की मार के कारण जिले का किसान बर्बादी की ओर और बढ़ने के साथ साथ कर्ज के बोझ में भी पिस रहे हैं। वहीं रासायनिक खाद की कमी के कारण किसान आए दिन संघर्ष कर रहे हैं। किसान के पास गत वर्ष की रखी अदरक और इस वर्ष अधिक उत्पादन भी इसकी एक वजह बन गया है। अगर भारत से निर्यात चालू होता है तो निश्चित ही अदरक के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।